सांस लेने से भी ज्यादा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभम फॉर यू। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आपको मैं आज इस वीडियो में एक वंडर से फिल्मोरा से एक स्टेटस बना के दिखाऊंगा दोस्तों, जो व्हाट्सएप के लिए और फेसबुक के लिए या बाकी सोशल मीडिया के लिए वो स्टेटस आप यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं कैसे बनाता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मैं फुल स्क्रीन का स्टेटस बनाऊंगा। सबसे पहले आप अपना वंडर सेल फिल्मोरा ओपन कर लें, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन का मैं स्टेटस बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ दोस्तों। फाइल में जाने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग में मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे रिसीव रखना है 1080 और यहाँ पे रखना है 2280 जो कि पहले से सेट था, और यहाँ से ओके कर लेना। अब दोस्तों, मैंने एक म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा हुआ और इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई, तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है या कंट्रोल आई दबाना कीबोर्ड से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ। मैंने इतनी सारी इमेजेस ये डाउनलोड करके रखी हुई हैं, मैं इनको इम्पोर्ट कर लेता हूँ एक साथ। ये देखिए 2 3 4 5 6 इमेजेस हैं, ये 5 इमेजेस हैं। और मैं कंट्रोल आई दबाता हूँ तो मैं यहाँ से सॉन्ग भी डाउनलोड कर लेता हूँ, जो भी सॉन्ग मुझे लेना है। अब दोस्तों, मुझे यहाँ से क्या करना है, मैं इस सॉन्ग को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना है, की प्रोजेक्ट सेटिंग पे ही क्लिक करना है। अगर आप मैच टू मीडिया पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी वीडियो जो आप यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं, जो उसका साइज होगा, उस साइज पे आपका ये फ्रेम कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे की प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मुझे इसका ऑडियो चाहिए और दोनों चीज़ चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब दोस्तों, मुझे इमेजेस ड्रैग करनी है। मैं एक इमेज यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, दूसरी यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तीसरी क्लिक करके बस मुझे ड्रैग करना, और चौथी यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, पांचवी यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब दोस्तों, जब तक कि मैं वीडियो लेयर को यहाँ पे आई क्लिक है इस पर क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगी। और अब इमेजेस को दोस्तों यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, क्रॉप को फिट कर लेंगे तो फिट हो जाएगी दोस्तों। कुछ इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे करेंगे क्रॉप को फिट, तो ये भी फिट हो जाएगी। जो भी इमेज का साइज आपका छोटा है अगर ये है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, क्रॉप को फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा। तो ऐसे सारी इमेजेस में कर लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से दोस्तों। इमेजेस के साइज थोड़े छोटे कर लेंगे ताकि ये जल्दी जल्दी इसमें इफेक्ट हो। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज के राइट साइड में, उसको स्लाइड करके अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे दोस्तों, इसका इमेज साइज छोटा हो जाएगा, मतलब इसकी टाइमिंग छोटी हो जाएगी। अब दोस्तों, पे करेंगे प्ले होगा। अब इसमें दोस्तों इफेक्ट लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्रांजिशन और इफेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजिशन लगाने के लिए हमने क्या करना है, ट्रांजिशन वाले पैनल पे जाना है और यहाँ पे कई सारे ट्रांजिशन हैं, आपको जो भी इसमें ऐड करना है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों इमेजेस के बीच में मैं ये ऐड करता हूँ और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करके देखूंगा तो इसके बाद ये किस तरह से प्ले होगा, देखिए इस तरह से स्लाइड होकर प्ले होगा दोस्तों। और अब दूसरा मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसका भी मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। इसको ही प्ले करके मैं देखता हूँ ये किस तरह से प्ले होगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से दोस्तों प्ले होगा। ऐसे ही मैं तीसरा भी ऐड कर लेता हूँ, और मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये ऐसे प्ले होगा दोस्तों इस तरह से। और यहाँ पे मैं चौथा ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, इसको प्ले करके देखते हैं, इसका भी साइज कम कर लेंगे और इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से प्ले होगा। अब दोस्तों, ये मैंने ट्रांजिशन पे ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ से हमने एनिमेशन पे जाना है और यहाँ पे इसमें एनिमेशन ऐड करनी है, तो मैं इसको देखता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा मैं वो ऐड करूँगा इसमें। तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया, तो इमेज कुछ इस तरह से होगी दोस्तों। और ऐसे ही मैं दूसरे वाली इमेज में भी ऐड करता हूँ, तो लेफ्ट इस तरह से इमेज आएगी। और दोस्तों, ऐसे इसमें कई सारे हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं। तीसरी इमेज में ये वाला कर देता हूँ तो इमेज इस तरह से डाउन होगी, और चौथी इमेज में इस तरह से कर देता हूँ तो इमेज इस तरह से होगी। तो मैंने कर लिए सारे ट्रांजिशन। अब मैं इन्हीं इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों, दोबारा से फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये इमेज इसके बराबर तक हो जाए।
अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इन सब के ऊपर हल्का सा इफेक्ट लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे रेडियस टाइप करेंगे, RADUS, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा विग्नेट रेडियस। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसको ड्रैग कर लेंगे तो पूरी इमेज में एक ब्लैक सा शेड आ जाएगा दोस्तों। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसे डार्क लगता है देखने में। हाँ, इसका थोड़ा एडजस्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों पार्टिकल यानी कि इफेक्ट्स, ग्रीन लाइट वाले इफेक्ट मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, डाउनलोड थी और ये मैंने कई सारे इफेक्ट डाउनलोड कर रखे हैं नेट से, आपको काफ़ी मिल जाएंगे तो मैं इनको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। मेरे पास और भी पड़े हुए हैं तो मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से डाउनलोड करके रखे हुए हैं टेम्पलेट, और इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया, और कोई अच्छा वीडियो का दिखता है तो मैं उसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर लगा देता हूँ। अब दोस्तों इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, काफ़ी बड़ा है, और इसको भी क्रॉप टू फिट कर लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो दोस्तों ये वाइट पार्ट है, इसको आप हल्का सा ड्रैग करके ऊपर कर सकते हैं तो ये कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देवराज कश्यप, तो मैं इसको भी यहाँ से कट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से दोस्तों, और इस तरह से मैं इसको कट कर लेता हूँ ये कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। और इसको प्रॉपर फिट करके मतलब साइज का बड़ा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कंपोजिंग में जाएंगे और इसका ब्रांडिंग मोड स्क्रीन चेंज कर लेंगे, यहाँ से इसका ऑडियो राइट क्लिक करके म्यूट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से प्ले होगा अपना वीडियो, और यहाँ पे मेरे पास और भी इफेक्ट है, मैं फ्लेयर भी इसमें डाउनलोड मैंने करके रखे हुए हैं, तो ये देखिए मैंने ये डाउनलोड करके रखे हुए हैं फ्लेयर, तो मैं इसको इसमें ये भी ऐड कर सकता हूँ। इसका ब्रांडिंग मोड मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से स्क्रीन कर लेता हूँ इसको, और दोस्तों इसको राइट क्लिक करके क्रॉप टू फिट करेंगे तो कुछ इस तरह से इफेक्ट इसमें लगेगा। तो दोस्तों मैं इसको इसके ऊपर कर लेता हूँ और रेडियस को भी इसके नीचे मैं करता हूँ, सबसे नीचे ये प्लेयर वाला इफेक्ट, उसके बाद रेडियस, और उसके बाद ये दोस्तों कुछ इस तरह से प्ले होगा। अब दोस्तों यहाँ से साउंड मैं चालू कर ले, जो यहाँ पे मेरा साउंड था इसके लेयर की ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो का इफेक्ट है ब्लैक स्क्रीन, आप चाहो तो यहाँ पे कोई शेप रख सकते हो या कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा दोस्तों। तो मैं इसमें आपको एक शेप ऐड करके दिखाता हूँ, ये देखो हाँ भाई बंद है भाई, PNG सर्च करता हूँ, ये देखिए ये कुछ किस तरह से ब्रश से PNG में मैंने डाउनलोड करा है। इसका बैकग्राउंड दोस्तों वाइट है तो इसको रिमूव करना है, उसके लिए यहाँ से मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रिमूव VG जो कि नेट से सॉफ्टवेयर है बैकग्राउंड रिमूव करने का, और यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करता हूँ, थोड़ा साइज बिगर कर लेंगे कुछ इस तरह से। और दोस्तों अब इस वाले वीडियो को इसके ऊपर लाएंगे, इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे हम लोग इतना कुछ इस तरह से, और इस वाले वीडियो को हम लोग इसके ऊपर लाके इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेंगे, तो इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसका यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड कर लेंगे स्क्रीन, ये इस पर शो नहीं लगेगा दोस्तों। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जहाँ पे भी आपको रखना है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको भी इसके ऊपर रखता हूँ कुछ इस तरह से दोस्तों। अब देखिए इसका स्क्रीन मोड चेंज कर लिया दोस्तों, और इसमें थोड़ा कलर करेक्शन करेंगे तो जिसमें व्हाइटनेस है ये सही हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे दोस्तों,
और यहाँ पे टोन पे क्लिक करके इसका कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस इसकी लो कर देंगे, तो ब्लैक हो जाएगा पूरी तरह से। अब हमने क्या करना है, इस पर ड्रॉप शैडो भी आप लगा सकते हो। जितना आप एडिट करोगे उतना अच्छा आपका वीडियो बनेगा, जितना आप इसमें टाइम एक्सपेंड करोगे। तो मैं इसमें यहाँ डिस्टेंस में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्लर इसकी कम करता हूँ और ये कुछ इस तरह से वीडियो होता है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। प्ले करने से पहले मैं इसमें एक इफेक्ट और लगाता हूँ दोस्तों, जिसका नाम है बॉर्डर, जो कि अच्छा लगता है। तो मैं इस बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक करके बॉर्डर देता हूँ दोस्तों। इसको भी बड़ा करके इस पुलिस तक कर देता हूँ और यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूँगा तो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। इसका साइज कर लेंगे दोस्तों 2 और यहाँ से इसका कलर दोस्तों चेंज कर लेंगे। आज मैं इसका कलर करता हूँ लाइट इस तरह से, जो कि लाइट ग्रीन कलर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरह से दोस्तों मैं इसको करता हूँ और इसका भी कलर कर लेता हूँ लाइट, या तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ या मैं इसका भी कलर लाइट ग्रीन कर लेता हूँ दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में स्टेटस कुछ इस तरह से। और इसका साइज मैं दोस्तों यहाँ से 1 कर लेता हूँ कुछ इस तरह। अब दोस्तों मैं इसको फुल स्क्रीन में प्ले करके आपको दिखाता हूँ। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए जी दोस्तों, कुछ इस तरह दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट मैं और लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो इमेजेस हैं यहाँ पे मैं किसी किसी इमेज में मिल्ड इफेक्ट लगा देता हूँ। इफेक्ट में सर्च करेंगे MILD और ड्रैग करके, जैसे इस इमेज में मैंने डाल दिया, 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 ऐसे ही मैं सारी इमेजेस में डाल देता हूँ। तो इमेज जो सिंपल सी लग रही है तो वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगेगी। ये देखिए, अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। सांस लेने से भी ज्यादा तुम जरूरी हो गए जीरे। अब दोस्तों मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ और एक्सपोर्ट मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई स्टेटस बनवाना तो आप अपना नेम लिख के हमें कमेंट करिएगा, मैं उसको स्टेटस बना के आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुभम फॉर यू।